दुकान पिछले कई महीनों से जो बंद पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर हादसा हुआ था, 11 लोगों की मौत इस घर में हुई थी, उसके बाद से आप आए, कब खोली ये दुकान आपने? तीसरा दिन है आज। अच्छा, क्या क्या कह के गए थे आपको जो दिनेश जी थे? अच्छा, वो जो है जो अभी हम 1 हफ्ता बाद आएंगे, आप जब तक खोलोगे। अच्छा, और दुकान खोल रहे हैं, कुछ ग्राहक आ रहा है? नहीं आ रहा है अभी, कहाँ घूमने। वजह वजह है, सबको पता ही है, वजह है तो ऐसे हादसा हुआ था, इसी वजह से नहीं आया। साफ सफाई हो रहा था 3 दिन से, साफ सफाई करके बोले जो दुकान खोल के रखो, मैं आ रहा हूँ एक हफ्ते। अच्छा, अब वो आएंगे? हाँ। सामान वगैरह सब माल वाल भर दिया गया दुकान में? नहीं नहीं, जो जैसे था वही माल है। अच्छा, उतना ही सामान है। हाँ, लेकिन तीन कुछ बढ़ा है ना कुछ घटा है। लेकिन 3 दिन से बिक्री नहीं हुई। उनके भाई आए थे दिनेश। हाँ। और उनके साथ में सिस्टर भी थी, और एक दो लोग और थे जो आए थे यहाँ पे, एक रहे हैं वो यहाँ पे। हाँ। और सफाई की है, दुकान खुलवा दी, दुकान तो खुल ही चुकी है, दुकान तो आपने देखी खुल चुकी है, तो सामान है किसी तरह का, कोई ऐसा नहीं है कि डर वाला या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हम यहाँ पे। अच्छा, जो उनके भाई जो आए थे वो कितने दिन रहे, और पाइप जो थे उनका क्या हुआ है? वो 1 हफ्ता रह के गए हैं, पिछले शुक्रवार वीरवार में आए थे और कल ही गए हैं, बाकी यहीं पे रहे, वो मकान के अंदर ही, मकान में साफ सफाई भी कराई है, पूरा परिवार रहा है, उनका बहन भी रही है उनकी। हाँ। और देखी होंगे आपने पाइप जो है, पाइप भी बंद करा दिए हैं, अब सीमेंट भरवा दिया है, तो अब सामान्य स्थिति है यहाँ पे, गली में भी सब कुछ सामान है।